अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के, ठीक है। उसमें जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है ना, वो कुछ डेफिनेशन है, ठीक है। ठीक है, इसमें हमने कुछ डेफिनेशन को डिस्कस करना है। अब डेफिनेशन में जो सबसे पहली डेफिनेशन आती है ना, वो आती है रिजल्टेंट वैक्टर की, ठीक है। रिजल्टेंट वैक्टर की सबसे पहले आप लोगों ने डिफाइन करना है रिजल्टेंट वैक्टर होता क्या है। देखें, रिजल्टेंट नाम से जाहिर है कि आप लोग इस चीज को सम अप कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने इसमें डिफाइन में लिखना है अ वेक्टर विच हैज सेम इफेक्ट एज कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर टू बी इसको क्या बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद हम बात करते हैं सबस्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर की। वेक्टर में करनी है ना, वो आप लोगों ने ये करनी है सबस्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या था, निकालना एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से, आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। देखिए, आपने सब्ट्रैक्शन में सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है, सब्सट्रैक्शन ये इसकी डिफाइन है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर की सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन, ठीक हो गया। उन्होंने ये बोला है कि जो वेक्टर की सब्सट्रैक्शन है ना, वो वेक्टर की एडिशन के क्या होती है, इक्वल बट विद रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। आप लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन वेक्टर एडिशन के इक्वल होती है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, रिवर्स होती है। मैं एक मिसाल देता हूं, आप लोगों के पास दो वैक्टर है ए एंड बी, ठीक है। जब आप लोग इनका रिजल्टेंट फाइंड करते हो, आप लोगों को पता है इनका रिजल्टेंट आ जाता है ए प्लस बी, लेकिन आप लोगों ने करना है इनको सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इन दोनों में से किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर दोगे, रिवर्स। मैं एक मिसाल इसको जनरली ड्रा करके बताता हूं, ये देखें ए बी, जब इसको आप लोगों ने एड अप किया आपके पास आ गया ए प्लस बी, ठीक है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले नेगेटिव वेक्टर लेना है, नेगेटिव वेक्टर लेना आप लोगों ने वेक्टर बी का। आप लोगों ने वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, नेगेटिव वेक्टर लेना है वेक्टर बी का। वो किस तरह लोगे, आप लोग इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, जब आप इधर प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये एक वेक्टर है। जब आप लोग फिर इसका रिजल्टेंट निकालोगे, वो आएगा आर इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, यानी आप लोगों का जो आएगा आर बराबर आ जाएगा ए वैक्टर माइनस प्लस माइनस बी वैक्टर। रिजल्टेंट का मतलब तो होता है सम नहीं करना, लेकिन आप लोग जब डायरेक्शन रिवर्स करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास किसमें आ जाएगा माइनस में। यही बात तो उन्होंने बोली है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन की इक्वल होती है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन होती है, रिवर्स डायरेक्शन होती है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के हम थ्री वेज यूज करते हैं। नंबर वन, हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद पॉजिटिव नंबर, विद नेगेटिव नंबर, विद स्केलर क्वांटिटी। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव नंबर को, कंसीडर कर लो सबसे पहले, कंसीडर अ वेक्टर ए। आपने जो वेक्टर कंसीडर किया वो ए है। मैं मिसाल देता हूं, आप लोगों का पॉजिटिव नंबर एक, आप नंबर ले लो एन, एक कंडीशन इधर लगा देनी आप लोगों ने कि एन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एन ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, एन ग्रेटर देन जीरो का मतलब है आप लोगों के पास कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। आपने फर्ज कर लिया वो एन है, जब आप लोग एन को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा एन ए, एन ए, ठीक है। अब एन क्या है, एन नंबर है, ए क्या है, वैक्टर है, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास वैक्टर ही है ए, ठीक हो गया। एन मेरे पास था, एन की वैल्यू फर्द कर लो, एन है हमारे पास टू, ठीक हो गया। एन क्या हो जाएगा, हमारे पास टू हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, वहां से टू ए आ जाएगा। तो समझ लें कि हमारे पास ये आ जाएगा, जब हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी पॉजिटिव नंबर से, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था द लेंथ ऑफ लाइन इज रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर की, तो सेम सारी यही कंडीशन, कंसीडर अ वेक्टर ए, ठीक है, एड अप नेगेटिव नंबर एन, साथ में कंडीशन लगा देनी है एन छोटा है, ठीक है, स्मॉलर है जीरो से, दैट मीन वो नेगेटिव नंबर है। फर्द का लाइन इज इक्वल टू माइनस टू है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस टू ए। देखिए, अब ये नहीं सोचना कि
हमारे पास इधर सर ने बताया था कि अगर हमारे पास वन है तो ये है, टू है तो ये है, अब माइनस टू है तो इससे छोटे चले जाते हैं। हमने हमेशा सीखा है, मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोगों से, कोई जनरली क्वेश्चन करता है कि बेटा आप लोग ये बताएं कि ये आपके पास वेक्टर ए है तो इसका नेगेटिव वेक्टर किस तरह लेंगे, तो आपने याद रखना है अगर ये टू ए है तो इसका नेगेटिव वेक्टर आप लोगों ने लेना, तो इसकी डायरेक्शन को क्या कर देना आप लोगों ने रिवर्स, तो ये माइनस टू ए हो जाएगा, याद रहेगा, यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो इंक्रीज होती है लेकिन विद रिवर्स डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, ठीक हो गया। इसमें भी जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगी, एन ए ही आएगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब हमारे पास है लास्ट टर्म जिसको हम कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर, तो आप लोगों ने याद रखना है जब हम किसी वेक्टर को, अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर, यानी जब किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास इट गिव्स आर न्यू फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो ये हमारे पास एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी देता है। मिसाल के तौर पर मिसाल लेता हूं, मैं इधर एग्जांपल लिखने लगे हैं, ए आप लोग इधर एग्जांपल लिख लें, ठीक है, मैं मिसाल आप लोगों को ये देता हूं कि आप लोगों को पता है कि एफ बराबर है एम ए की, ठीक है, एफ क्या है, फोर्स, ये क्या है एक्सीलरेशन, ये क्या है मास, मास कौन सी क्वांटिटी है स्केलर, एक्सीलरेशन कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर। देखो जब आप लोगों ने एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास एक न्यू क्वांटिटी आ गई, ठीक है, इसी तरह आप लोगों याद रखना है आई बराबर है एफ क्रॉस टी, आई क्या है, आई है इंपल्स, ठीक हो गया, जो आप लोग थर्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर, ठीक है, टाइम कौन सी है स्केलर, जब आप लोग एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी आती है। इसके अलावा और भी है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास वर्क है, ठीक है, डब्ल्यू बराबर है एफ डी, अच्छा वैसे ये तो डिस्प्लेसमेंट में ले लेते हैं, हम दो वेक्टर भी कर लेते हैं, सॉरी ये वाली आप लोग यूज ना करें, ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना कि हमारे पास डिफरेंट टर्म डिफरेंट कंडीशन ऐसे होती है, जिस तरह मैं एक और मिसाल देता हूँ आप लोगों को मोमेंटम की, ले लें आप लोग मोमेंटम की सूटेबल है, यानी आपको पता है पी बराबर है एम वी के, वी क्या है वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सी है स्केलर और ये नेक्स्ट न्यू फिजिकल क्वांटिटी। कहते हैं आप यूनिट वेक्टर, तो नाम से जाहिर है यूनिट का मतलब है वन, आपने कहना है अ वेक्टर होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है वन होती है। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास सिंबल होता है ना उसके ऊपर हम कैप का निशान डाल देते हैं, इसका साइन डालते हैं कैप का, यानी अगर आप लोगों ने किसी भी यूनिट वेक्टर को जाहिर करना है तो आप लोगों ने उसके ऊपर कौन सा साइन डाल देना है, ठीक है, कैप का साइन डाल देना है, यानी हैट आप लोगों ने इसके ऊपर डाल देनी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों की बताने लगा जो आई यूनिट वेक्टर है वो किसके लॉन्ग होता है एक्स एक्सिस के, ठीक हो गया, जो जे है वो किसके लॉन्ग होता है वाई एक्सिस के, जो के है वो किसके लॉन्ग होता है जी एक्सिस के, जो आर यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है आर को, यानी पोजीशन वेक्टर को, एन किसको जाहिर करता है नॉर्मल को, ठीक है, यानी ये हमारे पास एक सरफेस है इसके ऊपर ये हम ड्रा करते हैं, ये हमारे पास क्या होगा नॉर्मल, इसको कौन सी चीज रिप्रेजेंट कर रही होगी एन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं एक कोऑर्डिनेट बनाता हूं मेरे पास ये है एक्स वाई और जी, एक्स को किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा आई, वाई को जे और जी को हमारे पास कौन सी चीज रिप्रेजेंट कर रही होगी के, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं अब हम, अच्छा इसका फार्मूला एक बार देख लें, जो यूनिट वेक्टर है ना इसका हम फार्मूला भी यूज करते हैं, वो इक्वल होता है यूनिट वेक्टर बराबर है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। अगर आपने ये वाला फार्मूला अच्छे से याद कर लेते ये आप लोगों के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएगा, आप लोगों ने इसको अच्छे से पॉइंट आउट कर लेना और याद कर लेना। अच्छा उसके बाद है नन वेक्टर, नन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है वेक्टर, ठीक है, हूज मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो विद आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है, ए नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है जीरो होती है और उसकी बेतरतीब जो होती है वो डायरेक्शन होती है। अच्छा अब नल वेक्टर आता है किस तरह, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है सम ऑफ वेक्टर एंड एंड इट्स ए नेगेटिव वेक्टर
वेक्टर गिव नल वेक्टर, ठीक है। आप लोग याद रखना, अगर आप लोग वेक्टर को और उसी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को ऐड अप करते हैं तो आपके पास कौन सा वेक्टर रहता है, नल वेक्टर। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास ए है, ए वेक्टर है, आप लोग उसको ऐड अप करते हो इसके रिवर्स वेक्टर के साथ, यानी माइनस ए के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नल वेक्टर होगा, ठीक हो गया। और याद रखना वेक्टर चाहे नल वेक्टर हो यूनिट वेक्टर हो, उनकी डायरेक्शन होती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, उस वेक्टर की इक्वल नाम से जाहिर हो रहा है बराबरी को जाहिर कर रहा है, ठीक है। टू वेक्टर्स आर सेट टू बी बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस टू इनिशियल पोजिशन ऑफ द वैक्टर, ठीक है। देखिए आप लोगों ने याद रखना है इक्वल वेक्टर कहते हैं, इक्वल वेक्टर हमारे पास उन वेक्टर्स को कहते हैं अगर दो वेक्टर्स की सेम मैग्नीट्यूड हो और उनकी डायरेक्शन पे क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हैं, ठीक है, एक ए है एक बी है, तो वो दोनों इक्वल वेक्टर हैं, कब, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो, इक्वल हो।